हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोगों? मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, कैसे हो? बढ़िया। तो मैंने देखा कि आप लोगों को वो वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है, तो जो था रोस्ट भावा के नाम से मैंने आपको चैनल बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट करना। उसके एक मैंने पहला पार्ट किया था, वो पार्ट आपको पसंद आया और आपको अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपको एक पार्ट और दिखाता हूँ। दो पार्ट बनाए हुए हैं उन भाई ने, ठीक है, रोस्ट बाबा ने। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया चैनल। ये अपने इंडियन भाई हैं, इनको सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंडियंस को हमेशा सपोर्ट किया करो, पुरखियों को मत सपोर्ट किया करो। पुरखियों को सपोर्ट करना बंद कर दो। जो नहीं कर रहे उनका शुक्रिया, जो कर रहे हैं अभी भी जहाँ उनके सब्सक्राइबर हैं वो अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दो पुरखिस्तानी के चैनल्स को जाके, ठीक है। और रिपोर्ट मारो, जो करना है आपने वो आप करते रहो, ठीक है। तो मेरा काम है अपने देश के लिए खड़ा होना, आप लोगों का काम है अपने देश के लिए खड़ा करना और अपने यूट्यूबर जो चैनल्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, जो इंडियंस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो ताकि हमारी आवाज़ भी पहुंच सके। कल हमें ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट तक जहां हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके, इसलिए चैनल का बड़ा होना ज़रूरी होता है। तो आप जब सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को, नेशन फर्स्ट को, तो आप सोल्जर बन जाते हो इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका, तो मैं आज आपके लिए फिर रोस्ट भावा जी की वीडियो लेके आया हूँ। उन्होंने उसी का है, उसी का पार्ट है, लेकिन उसमें किसी और पे उन्होंने बनाया था। इस पार्ट में वो उन्होंने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इसका टाइटल रूबी का लियाकत वर्सेस मौलाना सरवर पार्ट टू, ठीक है, दूसरा भाग है। तो वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो रूबी का लियाकत जी का भी मैं फैन हूँ क्योंकि वो बेधड़क होकर बोलती हैं और कभी भी वो बायस नहीं होती किसी चीज़ के लिए। वो हमेशा नेशन फर्स्ट को, देश को पहले रख के फिर बात कर रखती हैं। और आपको जैसे कि पता ही है रूबिका लियाकत जी का कि वो एक आयरन लेडी की तरह बात करती हैं, वो डरती डरती किसी से नहीं है, ठीक है। जो सच होता है वो सच ही आपके सामने रखती हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में फिर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, प्लीज़ मेरे साथ बन के रहिए, करिए और सपोर्ट करिए, पूरी वीडियो देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आफरीन फातिमा के घर की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि वो एकदम साफ सुथरा कानून के दायरे में बना हुआ मकान था, ये आप जिम्मेदारी लेते हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर? नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं ये आप जिम्मेदारी नहीं अगर शाबाश, थरबाजी का सहारा लेकर के उसकी बुनियाद पर किसी घर को तोड़ा जाना, चलाया जाना, ये कौन सा कानून है? ये अंधा कानून है। ठीक कहा है, मैं तो कहता हूँ पत्थरबाजों के लिए गलत कर रही है ये सरकार। एक शाम पत्थरबाजों के नाम, इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दिलवा दें इनको, और भी बेहतर रहेगा। एक माँ अपने बेटे को जब पुलिस में जाता है तो 2 स्टार लगे देखकर खुश होती है, पिटने के लिए भेजती है ना उनको, 3-4 हजार का ही तो ह्यूमन राइट्स है सर। बाकी जो 140 करोड़ है या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ है, उनका तो कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वो तो मरने के लिए ही है। आप सुनिए, सुनना है तो सुनिए, वरना मैं वाकई चला जाऊंगा, इसलिए कि मैं इस तरह के डिबेट तो हर चीज पर धमकाने की नहीं, धमकाने की आदत, धमकाने की बात पर क्यों? हे भारत के राम, जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, स्वधर्म का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। बार बार ये कानून का, ये जिस लड़की के घर को तोड़ा गया है वो कितना कानून पर विश्वास करती है, वो कितना लोकतंत्र पर विश्वास करती है। नहीं नहीं, आज इसलिए याद आया क्योंकि आज कानून की दुआएं दी जा रही है, उसी बच्ची के मकान को बचाने के लिए कानून की दुआएं दी जा रही है। तब तो आप लोग सड़कों पर नहीं निकले जब वो कानून का मजाक उड़ा रही थी। ये लड़की जब सुप्रीम कोर्ट पर अजीब गरीब टिप्पणियां कर रही थी, तब तो आपको नहीं लगा कि मुल्क जो है बड़ा खतरनाक हो गया, खतरे में आ गया? कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। आपके हक के लिए कानून, लोकतंत्र सब आ जाता है। जो आप म्यूनिसिपल एक्ट बता रही थी क्या है उसमें? उसमें यह है कि पत्थर चलेगा तो घर टूटेगा, जरा सा हमको बता दीजिए प्लीज। नहीं, पत्थर चलेगा तो बड़े वाले बुलडोजर से टूटेगा। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, ये प्लीज उसको डिफाइन कीजिए ना, पब्लिक सुन रही है ना। मैं डिफाइन, आपने एक्ट बताया, बिलाल को आपने बता दिया, पता कानूनी तरीके से मकान बना है तो वो टूटेगा। खत्म। उस एक्ट में ये लिखा है कि कोई भी एबीसीडी नॉट हिंदू मुस्लिम, हाँ, अगर पत्थर चलाएगा तो उसका मकान टूटेगा। अच्छा, जरा ये पहले तो हाफिज गुलाम सरवर साहब क्या करें, योगी आदित्यनाथ क्या करें, वो जो आपने सुनिए, आप मेरी सवाल सुनिए ना,
तो क्या करें, वो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो बॉर्डर लगती है ना, वो कांटे वाली, नहीं तो आप सुनिए तो बुलडोजर ही सवाल तो सुनिए, सवाल तो संविधान नहीं चले भारत में, सवाल तो सुनिए, सवाल ही तो है। अरे सवाल सुनिए ना, आप मेरे सवालों पर कहां बुलडोजर चला रहे हैं, सवाल सवाल का जवाब दीजिए ना। तो क्या करें योगी आदित्यनाथ, ये भाई साहब जावेद पंप के घर को चारों तरफ बॉर्डर वहां पर बनवा दी जाए ताकि उनके घर को खरोंच सकना, और फिर 10 किलो पत्थर और भेजे कि लो भाई फेंको पत्थर, कि लो भाई फेंको पत्थर। जावेद पंप पहला कब हुआ, गिरफ्तार करने हुकूमत कुछ नहीं करें, खाली नहीं हो सकता, क्यों गिरफ्तार हो, नहीं हो सकता, खाली नुपुर शर्मा क्यों गिरफ्तार, मोदी सरकार हो, भारत के मुसलमानों को शांति हो, आप अध्यक्ष ने क्या संदेश दिया है, नहीं तुमको मारेंगे ठोकेंगे तोड़ेंगे, मगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करेंगे, सारी अच्छी चीज आपके लिए, दलित है तो उसको गिरफ्तार घिसेट कर करेंगे, मुसलमान अगर आपके लिए कुर्बानी करे उसको गिरफ्तार करेंगे। मैं जा रहा हूँ, लोगों को समझ लेने की तू पागल है, मगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ये जवाब नहीं है, मुस्लिम पक्ष जो कानून कहेगा कानून संगत कार्रवाई होगी, आप अफगानिस्तान में नहीं है, मुसलमानों आप अफगानिस्तान में नहीं है, कि मेरी मर्जी है नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो जानी चाहिए तो हो जाए, मर्जी नहीं मेरी मर्जी है, गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार फिर वो तमाम लोग होने चाहिए, 35 लोग जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, तो आप नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा मत गाइए। आप बुलडोजर की वकालत कर रहे हैं, नुपुर शर्मा बोलिए ना प्लीज, बचाओ कर रहे हैं, मैं चिल्ला सकता हूं बट उसके ऊपर लाभ नहीं, आप ही कहते सुनिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पहली बात गुलाम सरवर साहब और जुनैद साहब अपने आप को तय कर ले, मैं आपको हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों की तरफ से मानता हूं, नहीं मत मानिए, 3000 पकड़बाजों की तरफ से नहीं मानता, 3000 पकड़बाजों की तरफ से नहीं मानता मैं 3000 पकड़बाजों की तरफ से नहीं, जितने भी है 40 क्यों कहा, फिर आरएसएस 20 करोड़ मुसलमान कह रहा हूं, 5 करोड़ है, मैं उन 5 करोड़ की तरफ से आऊंगा, फरमाइश करता नहीं रहा, आप अफगानिस्तान की तरफ से नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं 40 करोड़ वैसे आप मुसलमानों की तरफ से, मैं ऐसा मानता हूं, बाबा उदय कौन, इन्होंने कहा ना, अब इन्होंने कहा, इन्होंने कहा ना 2000 के कानून के तहत हुआ कार्रवाई, पिछले 5 सालों में 1880 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त हुई, सारी मुसलमानों की हुई क्या, ये सारी पत्थरबाजों की हुई क्या, मैं इस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और सुनिए जरा आप क्या कर रहे हो, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, और सुनिए आप अगर मुसलमान हैं और अगर आप पत्थर मार रहे हैं तो छोड़ नहीं दिया जाएगा आपको, मुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं, अरे आप मेरे वकील को बोल रहे हैं, मुझे नहीं बचना, अगर मैं पत्थर मारूंगा तो ये जाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए, 30 सेकंड चलाइए, मोहम्मद सरवर साहब जो है, हाफिज गुलाम सरवर साहब, उनको स्क्रीन पर लाइए, हाफिज गुलाम सरवर साहब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलता है, ये मान लिया आपने, सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया मान रही है, अब मुझे, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ, मुझे 4 वो नाम बताइए जो मुसलमान नहीं है और जिनके घरों पर बुलडोजर चले हैं, ये है। चले भी है कि नहीं, मुझे इतना बता दीजिए, मैं 30 सेकंड आपको देती हूँ, कौन 4 नाम बताया जाएगा, आप विकास दुबे को उठा ले आइएगा, तो ये बताएं कि खुशबू दुबे जेल में है वो क्यों है, उन्होंने क्या अपराध किया था, अरे वो तो राजनीतिक, सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ठिकाने लगा रहे हैं, आपको नाम के लिए संविधान पर उनकी आस्था है, 30 सेकंड आपको नाम के दिए, आपका सवाल ही सही नहीं आ रहा, आपने रोना रोया सही नहीं आ रहा मुसलमानों, जी हाँ सिर्फ, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ बुलडोजर जो चला है वो कितने नाम है जो नॉन मुस्लिम है, नहीं है नॉन मुस्लिम, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का बात, मैं जो है वो किसी और समय में पहुंचे होंगे, अब मैं बताना चाहती हूँ, हारिस साहब, सरवर साहब मैं बताना चाहती हूँ, 337 गिरफ्तार, हारिस साहब 337 गिरफ्तारियां हुई है और उसमें से आप गिन लीजिए कितने घरों पर बुलडोजर चले हैं, हाथों में ये उंगलियां जो है वो पूरी भी नहीं हो पाई, इतने का जवाब आ रहा, जवाब, और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें हिंदू भी, बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई पर हुई है, अभी रिसेंट हिंदू भी, उसमें पत्थर किसने चलाए,
किसने चलाया पत्थर? दोनों तरफ से चला। किसने चलाया पत्थर? मैंने वीडियो आप ही के चैनल में दिखाया। तो मुझे ये बताइए ना, उसके घर पे चला बुलडोजर। अरे तो बुलडोजर उसके घर पे चल रहा है मेरे भाई जान, जो गैर कानूनी है। आ गया जवाब। तो भाई लोगों आपने वीडियो देखी, ठीक है। मैं वैसे तो इंटरनल मामलों में बात करता नहीं हूँ, फिर भी ये सिर्फ मजे लेने के लिए होता है। ये होती है आपकी सूझबूझ कि बेचारा बनना, ठीक है। मेरा सिर्फ यही कहना है, जो गलत काम करे, जो इलीगल प्रॉपर्टी पे धरना मार के बैठे, ठीक है, उस पर बुलडोजर चलना जायज है। उसको निकालो, उसको बोलो कि तुम नजायज क्यों। जो प्रॉपर्टी साड़े, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाए, उसके घर को भी बुलडोजर चलना चाहिए और उसके घर से पैसे भी वसूलने चाहिए कि ये जो देश के दूसरे वासियों के जो पैसे लगे हुए थे ना, वो मुआवजा मांग रहे हैं। मैं मांग रहा हूँ मुआवजा उस ट्रेन जली का, उस ट्रेन बसें जली का, जो प्रॉपर्टी पब्लिक होती है, मैं मुआवजा मांगता हूँ एज ए शहरी। वो लोग क्या कर लोगे, मुझे मुआवजा चाहिए। उन बंदे का शक्लें दिखाओ मेरे को, सालों ने किसने आग लगाई ट्रेन को, किसने बसों को आग लगाई, ठीक है। तो मैं मुआवजा मांगना चाहता हूँ आप लोगों से। दूसरी बात कि जो नूपुर शर्मा का बीच में कभी अभी डिबेट में देखा, इधर की बात उधर की, उधर की बात नूपुर शर्मा पे दंगे पे, यही लाइव में भी हुआ था मेरे साथ। बात चल रही थी अग्निपथ पे, चला गया बुलडोजर पे, ठीक है। बात चल रही थी आग लगाने पे, चला गया बुलडोजर पे बंदा। वही अंदर की चीज़ें उठती हैं। अब मुसलमान, मैं बोलना नहीं चाहता, मुसलमान अगर मैं बोलूं कि मुसलमान का घर जले वो भी गलत है, मुसलमान के घर पे नजायज अगर गलत हुआ है तो भी गलत, अगर हिंदू पे होता है तो भी वो गलत है, ठीक है। नजायज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, जायज अगर हुई है तो वो कानून के अंडर होना चाहिए। मैं आज फिर अपील करता हूँ, मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ कि सरकार को, ठीक है, लॉ पास कर देना चाहिए। ये लॉ की बात कर रहा था, कहाँ लिखा है ये लिख देना चाहिए अब इनको। जो भी होगा उसका फोटो वेबसाइट पे ऐसे लोगों की लगाते जाओ बस। जब लगेंगे ना 150 बंदों की फोटो, जब उनका करियर बर्बाद होगा तो जो बाकी के होंगे ना वो चुप करके बैठ जाएंगे। और दूसरा, विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दो, अपने यानी के देश को सोचा करो। हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया। अरे अपना करियर खुद बनाना सीखो, तुम अपना कुछ बनाना नहीं, देश का बनने नहीं देना। तो मेरे को बड़ा मजा आया, आपने डिबेट सुनी, ये शेरनी ने जो बातें सुनाई हैं वो अच्छे तरीके से चपेड़े, दो दो जवाब इनके पास किसी नहीं होता। मैं तो मेरे को ये नहीं समझ आती ये खड़े कैसे हो जाते हैं ऐसी डिबेट में। मैं हूँ, मैं भी ऐसे इनको धो धो के ठोकूँ, जवाब कोई नहीं होता। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, भाई एक पे बात करो, पहले एक पे ख़त्म करो किस्सा, फिर उसके बाद करो। कानून बताओ इनको, बड़ों को। चलिए, बाकी मेरे को बड़ा मजा आया, मेरी तो फेवरेट है अपनी रूबिका लेकर जी। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको दिखाया था, आपको अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट ले आया हूँ कि इस पार्ट में रूबिका लेकर जी ने क्या क्या बोला। रूबिका लेकर जी के मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये करती हैं, डिबेट इनकी बहुत अच्छी होती हैं, मज़ा आता है सुनने में, ठीक है। मज़ा इसलिए नहीं आता कि किसी को ये डिफेम या किसी को कर रही हैं, ये लॉजिक पे और तर्क पे बात करती हैं, बाकियों के पास कुछ नहीं होता, इधर उधर की बातें होती है बस छोड़ने वाली, ठीक है। क्योंकि जो बंदा विक्टिम कार्ड प्ले करता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बंदा हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करेगा ना उसके पास लॉजिक नहीं होगा, वो विदाउट लॉजिक है। जब वो हारने लगेगा ना तो वो विक्टिम बन जाएगा, तभी ये पोर्किस्तानियों में सबसे ज़्यादा आदत है। जब उनके पास लॉजिक नहीं ना होगा, विक्टिम बन जाएंगे। हाय हाय मेरे साथ हो गया, हाय हाय मेरे साथ ये होता है, हाय हाय मेरी दुनिया सुनती नहीं है, हाय हाय दुनिया हमारे साथ खिलाफ हो गई है, हाय हाय सारे हमारे साथ खिलाफ हो गए। लॉजिक के साथ, तर्क के साथ जवाब देने पे जब प्रॉब्लम आती है लोगों को, लॉजिक होता नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, देश को एकजुट रखो, देश से प्यार करो, तब ये बातें आपके दिमाग में नहीं चढ़ेंगी कभी भी, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है, देश सबसे पहले, नेशन फर्स्ट रखोगे तो करोगे। मेरा तो भाई गला बैठ गया बोल बोल के, आगे भी बैठता रहेगा, किसी दिन आवाज़ ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तब भी मेरे तो आंखों और दिमाग से यही निकलेगा कि नेशन फर्स्ट। मैं आपको देश के लिए जगा आ रहा हूँ, नौकरी कोई भी करो, कुछ भी करो, ठीक है, हमेशा बाहर जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है। बाहर जाके तब बोलते नहीं है हम पाकिस्तान से हैं, कभी नहीं इंडियन बोलता, पाकिस्तानी जरूर बोलते हैं कि हम इंडिया से हैं,
अपने आप को बचाने के लिए, यहां पे बस देश में रह के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो आजादी होती है ना, आजादी की भी एक लिमिट होती है, उससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही कहूंगा कि कानून बनाओ, एक लिमिट बना दो, सेट कर दो, उसके ऊपर जो उपद्रवी या ऐसे देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं उनको सजा का सीधा लिख दो, बस सीधा सीधा साफ लफ्ज़ में, कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा। पत्थरबाजी करोगे तो गए 10 साल के अंदर, और वेबसाइट पे फोटो, आग लगाओगे तुम्हारे घर को भी आग लगाई जाएगी और उसके पैसे लिए जाएंगे तुमसे। ये चीजें साफ साफ कानून बनाओ, साफ साफ ये कानून में जो बनाते हैं ना, ऐसे नहीं इफ एंड बट्स नहीं लगने चाहिए, सीधे सीधे कानून हो, सीधे सीधे सामने वाला बंदा पढ़े, ठीक है ओके जी समझ आ गया, ठीक है। ऐसे कानून मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहूंगा कि बनने चाहिए। बोलने की आजादी बिल्कुल सही है, लेकिन बोलने की आजादी की भी लिमिट होनी चाहिए। बकवासबाजी, किसी के धर्म को बोलना, किसी के उसको बोलना, उस पर भी बनाओ कानून। किसी ने मुंह से निकल गया अंदर, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, किसी ने किसी के बारे में बोल दिया, वीडियो देख लिया आप लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच गई सीधी 6 महीने के अंदर, दूसरी बात ही नहीं। उसके बाद जो प्रोटेस्टर अगर उसके हक में आएंगे, जो आएंगे उनको भी अंदर सीधे हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये अब भी चलाएंगे जो बोलते हैं ना, भोंकते हैं आज़ादी की आज़ादी, ठीक है, तो ये सब सब सीधे हो जाएंगे। ये कानून आ जाए ना तो साथ देने वाले को भी चित्र मारने चाहिए गवर्नमेंट को, तब ये देश सुधरेगा, अदरवाइज तो ये तो चलता ही रहेगा। ऐसे तो जितने मुंह होते हैं उतनी जबानें बस भोंकते रहते हैं, बस जो आया टीवी चैनल पे बोल दिया, देश को तोड़ने की बातें, बस यही चलता है इनका। मेरे हिसाब से कानून बन जाना चाहिए, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट वाला सुन रहा है या कुछ हो रहा है तो ये इस पर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये हमने पत्थरबाजी के लिए ये आग लगाएंगे, ये प्रोटेस्ट के लिए जो कर रहे हैं, जो मेल्स कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट के आगे किसी अदारे के आगे जाके धरना दे रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीस ऑफ माइंड कर रहे हैं, बैठे हैं, जैसे गांधी जी करते थे ना, भूख हड़ताल कर ली, पहले जमाने में ऐसा होता था, ऐसा कर लो, ठीक है, उस पर हम भी साथ देंगे, सारी कंट्री साथ देगी कि इनकी डिमांड्स जो है जायज डिमांड मान लो, आधी बचादी जहां पे भी होता है वो सेटल करके डाउन मामला खत्म करो। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो निपटा दे, क्योंकि देश का नुकसान होता है धरने धुरने देने में भी। हाँ, बीच बचाले जितना रास्ता निकलता निकालो, ठीक है, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो ताकि देश आगे तरक्की की और बढ़ जाए। लेकिन जो इसके ऊपर लेवल पे जाता है, जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा, उसको तो फिर बस खत्म कहानी उसकी, लगा दो उसको, ठीक है। तो यहां तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी, बस मेरा यही है कि देश को पहले रख के सोचा करो। मैंने आपको इस वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही होता है कि देश की हमें एकजुट होकर रहना है, ये देश हमारा है, ठीक है। अगर हम इस देश को अपना मानेंगे ना, ऐसे नहीं मैं देश से प्यार करता हूँ, ये ऊपर ऊपर वाले 70% बंदे ऐसे ही हैं जो ऊपर ऊपर से बोलते हैं मैं देश को प्यार करता हूँ, जब कोई बात होती है ना फिर इनके अंदर की चीज़ें निकलती हैं, फिर इनका पता चलता है असल में ये अंदर से चाहते क्या हैं, जो ट्रेनों के आग लगाते हैं, ठीक है, जो ये गलत काम करते हैं, फिर इनका पता चलता है कि ये देश से कितना प्यार करते हैं, जीरो प्यार करते हैं, जीरो। ऐसे बंदों को तो ठोकना चाहिए, जैसे मेजर गोरवारे सर ने बोला था ना, साला वो आतंकवादी दोषित कर देना चाहिए, फिर समझ आएगी। अब 100 करके देखो ना, देश में सारे सीधे हो जाएं, जो दूसरे भी आएंगे उनको भी ठोको, जेलें भर दो सालों को, कोई बात नहीं, जेलें बना लो, और हम कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन जो हमारे स्कूल्स हैं वगैरह उनको रोक लेंगे, जेलें बना लो सालों, एक साल रखो उनको, एक साल की सुधार में ही ये देखना देश यहां है यहां पहुंच जाएगा। इनकी वजह से ही हम ये डेमोक्रेसी और जो हमारे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा हुआ है ना, इनकी वजह से ही हम चाइना जैसे स्पीड से तरक्की नहीं कर पा रहे। मैं नहीं चाहता कि चाइना जैसा रूल आए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि चाइना पाकिस्तान या दूसरे हैं उनके रूल, या रशिया है या फिर तुर्की है या ईरान है या सऊदी अरेबिया है, इनके इन्होंने अभी यहाँ पे स्वाद लेते हैं ना, मजे लेते हैं कि यहाँ पे रहते हैं जो मर्जी भोंकते रहो, वहाँ पे एक भोंकोगे ना तो डंडा नीचे से निकलता है, मुंह से निकाल देते हैं नीचे से बाढ़ के। बड़े अब डेमोक्रेसी का नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए हमें अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, मिल बांट के रहना चाहिए। देश एक हमारा है, देश इतनी पुरानी सभ्यता, हमें उसकी रिस्पेक्ट और हमें उसके दिल में प्यार रखना चाहिए। देश से प्यार करोगे सबसे प्यार हो जाएगा अपने आप। तो यहां तक मैंने वीडियो दिखानी,
प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, और शेयर जरूर किया करो अपने, ताकि हम ये अपनी जो अपने जो आवाज है लोगों तक पहुंचा सकें। शेयर करा करो अपने प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे इस ऐसी वीडियो को, तो आगे नेशन फर्स्ट की वीडियो जा सके और लोगों को जो सब्सक्राइबर बन सकें और सोल्जर बन सकें। आप सब्सक्राइबर करते हो इस चैनल को तो आप सोल्जर बन जाते हो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, अपने देश को प्यार करने। मेरे पास जो सब्सक्राइबर है ना वो देश से ही प्यार करते हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं बनते ना देख लेख के वीडियो निकल जाते हैं और 15 मिनट की वीडियो देखते हैं, वो अपने मतलब के लिए आते हैं सिर्फ, वो देखते हैं कि इसने कुछ ये बोला है तो हम इसमें कीड़े कब कैसे निकालेंगे, कमेंट में भी कीड़े निकालते हैं, जब वो चाहते हैं कि कभी इसका चैनल हम करवाएंगे, वो मेरे को पता चलता रहता है, हमारी पूरी टीम काम करती रहती है इस पे, हमें सबके ख्याल पता चलते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप में दम हो तो आप कर लेना, मेरे मैं देश से देश के लिए खड़ा हूँ तो मेरे जब तक हूँ तो ठीक है। सच्चाई होती है कि धीरे धीरे चलती है, ठीक है, जो झूठ होता है या दूसरा होता है, इन जो बदफैली फैलानी होती है वो ऐसे वायरल होते हैं। मैं देश से प्यार करता हूँ इस करके हम वायरल नहीं होते, सच्चाई धीरे धीरे आती है, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही रहती है, वो कभी कभी वो झूठ नहीं हो सकती। तो यहीं तक की मैंने वीडियो बतानी, आपने देखा आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो नए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।